सर आपका नाम? इंद्रजीत सिंह है मेरा नाम। सर आपके पास मोबाइल कौन सा है? मेरे पास है नोट 8 सैमसंग का मोबाइल है। सर कितने दिन से यूज कर रहे हैं? 2 से 3 महीना हो गया। वैसे नोट 8 तो मैं 2-3 महीने से यूज कर रहा हूँ, बट मैं नोट का पर्सनली 3 साल से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कम से कम कह लो कि अभी तक मेरे को इससे अच्छे फीचर्स कहीं नहीं मिले हैं, इसीलिए। डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगा है ऑफकोर्स, और एक अभी जैसे इन्फिनिटी कर्व भी लगाया है इसमें सैमसंग में, लेकिन मैं डिज़ाइन से ज़्यादा इसके फीचर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जैसे नोट है, मैं ऑनलाइन बिजनेस में मेरा पढ़ाने वाला काम रहता है, तो वो नोट इसमें काफ़ी हेल्प करता है, और काफ़ी चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें जो बाकी इतनी महंगी मोबाइल में अभी तक नहीं है। डिस्प्ले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब क्लैरिटी हो जाती है फ़ोटो की, पिक्स की और सेल्फी की, सबकी बहुत अच्छी है, और जो वीडियोज़ आप प्ले करते हो उसे बहुत अच्छा है। जब वीडियोज़ प्ले करते हैं तो कलर कंट्रास्ट के साथ ज़बरदस्त आता है, बेस्ट आता है। टच कैसा चलता है? टच एकदम स्मूथ है। तो जब धूप में जाते हैं ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक एडजस्ट है। बैटरी बैकअप पिछली बार से तो अच्छा इम्प्रूव किया है, 3300 का है इसका, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो फुल चार्ज कितना टाइम हो जाता है? फुल चार्ज 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। सर अगर आप नेट कवर कर रहे हैं, साथ में वीडियोस भी देखते हैं, तो मैक्सिमम कितना टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में? मेरे ख्याल से मैं एक्चुअली बहुत ही कॉन्स्टेंट यूजर हूँ, कह लो कि मेरा काम ही सारा मोबाइल पर होता है, तो सब मिला के स्टिल 6 से 7 घंटा खींच लेता है, बट आई थिंक अगर एक नॉर्मल बंदा कोई यूज़ कर रहा है तो आई थिंक 12 घंटे से ज़्यादा खींच लेगा। तो दिन में कितनी बार चार्ज करता है? दिन में मेरे को 2 बार चार्ज करना पड़ता है। कैमरा बहुत अच्छा है, और फ्रंट कैमरा तो बहुत अच्छा है, बैक कैमरा आई थिंक थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, जो आई थिंक आईफोन में, आई थिंक एक चीज़ जो आईफोन अभी तक इससे ज़्यादा है वो इसके कैमरा ही लगता है, मतलब उसके अलावा और भी फीचर मेरे को नहीं लगता है, वही कैमरा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सेल्फी लेता हूँ मैं। सेल्फी कैसी आती है? सेल्फी बहुत अच्छी आती है। जब जूम करते हैं तो पिक्सल फटते हैं? नहीं फटते, इसके अच्छी लास्ट टाइम से इम्प्रूव किया है, नोट 5 में ऐसा नहीं था, नोट 8 में इम्प्रूव किया है, तो ऐसा नहीं होता। लो लाइट में फोटो कैसी आती है? लो लाइट में भी एडजस्ट हो जाता है काफ़ी हद तक, बट स्टिल थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा मैंने कहा कि आईफोन से कंपेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साउंड क्वालिटी अच्छी है बहुत। प्रोसेसर कैसा लगा आपको? प्रोसेसर बहुत फास्ट है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरा यूसेज है एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत कभी कभी हैंग होता है। गेम्स खेलते हैं आप? नहीं खेलता। सर हैंग या हीट करते हैं? हैंग थोड़ा बहुत होता है, हीट तो आई डोंट थिंक होता है, लेकिन हैंग थोड़ा बहुत हो जाता है। थ्री गुड क्वालिटी देख, तो इसका नोट है जो मेरे को आई डोंट थिंक किसी और मोबाइल में है, दूसरा इसका ऑफकोर्स पिक क्वालिटी है ना, और प्रोसेसर बहुत फास्ट है। बैड क्वालिटी मतलब सामने वाला कैमरा होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं पीछे बैक कैमरा, वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, और वायरस एंटीवायरस वाला सीन लगा दीजिए थोड़ा, आईफोन जैसा चैपल जैसा, वो थोड़ा सा वायरस आ जाता है जल्दी। 5 में से मैं इसको 4.5 स्टार दूंगा।